हमारे साथ बनाते हैं कि आप पॉपुलेशन बनाते हैं, और ये पॉपुलेशन जो है ना, ये हमारे साथ जब एक कम्प्लेक्स सिचुएशन बनाते हैं तो ये हमारे साथ क्या बन जाता है, इन कम्प्लेक्स सिचुएशन से हमारे साथ बन जाता है इकोलॉजिकल कम्युनिटीज बन जाता है। और ये इकोलॉजिकल कम्युनिटीज हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ जो इकोलॉजी है, जो इकोसिस्टम है, उनका एक पार्ट होता है और उसमें ये एक अहम रोल प्ले करता है। इससे कम्युनिटी की कम्प्लेक्सिटी हमें किस तरह पता चल जाता है कि कम्युनिटी कितना कम्प्लेक्स है, तो जितना उनमें नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होते हैं, मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं कम्युनिटी में होता है, तो हमारे साथ क्या होगा, कम्प्लेक्स कम्युनिटी होगा। जो नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होगा तो कम्युनिटी हमारे साथ क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा। यहाँ से इस चीज से हम कम्युनिटी के कॉम्प्लेक्सिटी का पता चल जाता है कि एक कम्युनिटी कितना कॉम्प्लेक्स है, उसका सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है उसमें मसाइल भी ज्यादा होगा, उसमें प्रॉब्लम भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब एक कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होगा, जब स्पीशीज ज्यादा होता है तो यार, ये 1 मिनट, सॉरी सर फॉर इंटरप्शन। जब एक कम्युनिटी में स्पीशीज का नंबर ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, उतना ही कम्प्लेक्सिटी होगा। फिर उसमें हमारे साथ क्या चीज आ जाते हैं, उसमें हमारे साथ मूड, जो उसमें रिलेशन पाए जाते हैं, और एक नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होगा तो उसमें रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन हमारे साथ प्रिडेशन पर भी हो सकते हैं, पैरासिटिज्म पर भी हो सकते हैं, और कंपटीशन भी होता है। इन तीनों टाइप्स जो है ना, इन तीनों को हमने डिवाइड किया है, ये हमारे साथ जो रिलेशन उनमें पाए जाते हैं उनकी, और इन तीन नंबरों में तीन चीजों में होता है, या तो उनमें प्रिडेशन होगा, या पैरासिटिज्म होगा, या हमारे साथ क्या होगा, कंपटीशन होगा। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटीज हमारे साथ इकोसिस्टम बनाता है, और उन इकोसिस्टम में हमारे साथ क्या होता है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी, और दूसरा हमारे साथ साइकिलिंग अप मटेरियल जो है ना, ये करता है। मेन चीज जो है ना हमारे साथ इकोसिस्टम में होते है, क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, और दूसरा हमारे साथ साइकिलिंग अप मटेरियल जो है ना, वो ये करता है। जब एक इकोसिस्टम जितना लार्ज बनता जा रहा है, वो हमारे साथ बायोस्फेयर, सबसे लार्ज जो इकोसिस्टम है वो हमारे साथ क्या है, बायोस्फेयर है। तो ये दूसरा हमारे साथ इकोलॉजी का जो डिफिनेशन है, वो हमारे साथ है कि जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, किस चीज के साथ, इसका एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन होता है, वो हमारे साथ किया है, वो हमारे साथ इकोलॉजी में आता है। फिर सिस्टम होता है, तो सिस्टम में ये होता है कि ये मुख्तलिफ पार्ट जो है ना, उसी पर मुश्तमिल होता है, मतलब इनका एक हिस्सा दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। एक ऐसा एक सिस्टम होता है जिसके एक चीज दूसरे पर जब डिपेंडेंट बन जाता है, तो हमारे साथ क्या है, वो सिस्टम होता है। फिर सिस्टम हमारे साथ दो हिस्सों पर, दो टाइप्स पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ सिस्टम ऐसा होता है जो ओपन होता है, कुछ ऐसा होता है जो क्लोज होता है। ओपन सिस्टम जो है ना, उनके लिए बाहर से एनर्जी वगैरह की होती है, और क्लोज सिस्टम जो है ना, उनकी अपनी एनर्जीज वगैरह जो है ना इस्तेमाल होते हैं। इकोसिस्टम जो है ना, हमारे साथ ये है कि जानदार जितने भी होते हैं और गैर जानदार, बायोटिक और एबायोटिक जितने होते हैं, एक दूसरे पर इसका एक दूसरे एक एक का दूसरे पर जो है ना असर होता है। ये हमारे साथ जो है ना, ये इकोसिस्टम होता है। बायोटिक और एबायोटिक जितने भी कंपोनेंट होते हैं, इन सबका एक दूसरे पर असर होता है। फिर हमारे साथ एक वर्ड जो है ना अक्सर इस्तेमाल होते हैं, हमारे साथ क्या है, इकोटीन का है।
तो ये वो ट्रांजिशनल जोन या उस स्टेट को हम कहते हैं जहाँ दो इकोसिस्टम के दरमियान कुछ ऐसा एरिया रहता है जो शेयर होता है, मतलब उसमें दोनों का हमारे साथ क्या होता है, असर होता है। तो उनको उन एरियाज को हम क्या कहते हैं, रूटीन कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ मीटा पॉपुलेशन जो है ना, तो ये हमारे साथ एक नेटवर्क सब पॉपुलेशन होता है, एक पॉपुलेशन पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा दूसरे जगह जुड़ जाते हैं तो हमारे साथ क्या होते हैं, मीटा पॉपुलेशन होते हैं। हमारे साथ इकोलॉजी में एक और टर्म जो अक्सर इस्तेमाल होता है तो कंजर्वेशन बायोलॉजी का है। तो इसमें हम बायोडिवर्सिटी के प्रोटेक्शन और उनके साथ साथ उनकी रिस्टोरेशन और जो लॉस होता है उन पर उनकी स्टडी हम करते हैं। तो ये हमारे साथ किस चीज में आता है, ये कंजर्वेशन बायोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी में आता है। इसके बाद हम इकोसिस्टम स्टेबिलिटी पर बात करते हैं। तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी की उतना ही होगा जब उसमें जो एनिमल जो ऑर्गेनिज्म होता है उनका रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप और इंटर का एक दूसरे पर जो डिपेंडेंसी है, एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पर वो कितना असर अंदाज करता है, वो कितना उनका असर जो है ना उस पर करता है। तो ये हमारे साथ क्या होता है, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी में आता है। और ज्यादातर जो उसमें हमारे साथ प्रोड्यूसर होता है उसका असर जो है ना उस पर ज्यादा होता है। इकोसिस्टम में जो है ना वो चेंजेस जो है ना वो रेगुलर आता है, कांस्टेंट चेंजेस हमारे साथ इकोसिस्टम में कर होता है। और ये चेंजेस जो है ना ये स्लो भी हो सकते हैं, तेज भी हो सकते हैं। उसमें फ्लक्चुएशन जो आते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में भी आता है और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों में भी आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक इकोसिस्टम एक ऑर्गेनिज्म में टॉलरेंस कितना है उसमें, और यह उन टॉलरेंस से मुराद क्या है। तो जो चेंजेस एनवायरनमेंट में आते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म में कितना कैपेसिटी होता है, कैपेबिलिटी होता है कि वो इन चेंजेस को अपने आप को उन चेंजेस के मुताबिक एडजस्ट कर ले। तो जितना एक ऑर्गेनिज्म उन चेंजेस को जो चेंजेस एनवायरनमेंट होते हैं, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनमें अगर ये कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उन चेंजेस के मुताबिक अडॉप्ट कर ले तो सर्वाइव कर लेगा। जितना एक ऑर्गेनिज्म का टॉलरेंस लेवल नीचा हो, उसमें टॉलरेंस लेवल नहीं हो तो सर्वाइव नहीं करेगा, उनको प्रॉब्लम होगा। और डेफिनेटली वो जब सर्वाइव नहीं कर सकता, वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता तो वो फिर सर्वाइव जो वो नहीं करेगा। लेकिन वो दोबारा जो स्टार्ट में हमने एक बात की थी कि एक ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटी सॉरी एक एनवायरनमेंट की में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशी होगा उतना उसका स्टेबिलिटी उसमें उतना ज़्यादा होगा। तो जितना एक बायोडिवर्सिटी नंबर ऑफ स्पीशी जो है ना वो ज़्यादा होगा एक इकोसिस्टम में तो उसमें टॉलरेंस लेवल जो है ना वो भी ज़्यादा होगा। जितना उनका नंबर ऑफ स्पीशीज है ना ज्यादा होगा तो इकोसिस्टम इतना ही हेल्दी होगा, क्योंकि उसमें अगर आप देख ले तो कुछ एनिमल्स जो है ना वो दूसरों पर डिपेंड करता है। और फॉर एग्जांपल अगर आप ले ले उसमें एक ही नंबर जो है ना वो 3 हो, दूसरे का नंबर जो है ना 5-6 हो तो क्या मसला होगा। तो जितना नंबर स्पीशीज सेम होगा ज्यादा होगा तो उसमें ये मसला होगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल जितना नंबर स्पीशीज ज्यादा हो
प्रीडेटर का तो प्रे का, और दोनों का अगर बैलेंस हो नंबर, तो फिर तो प्रॉब्लम इतना नहीं होगा। तो जितना उसमें नंबर बायोडाइवर्सिटी, नंबर स्पीशीज ज्यादा होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा, तो उसमें वो इन्वायरमेंट हमारे साथ हिट देगा। मैं सिंपल मीन उसका अगर मैं एग्जांपल ले लूँ फिशरी के लिहाज से, तो अगर आप देख सकते हैं, अगर आप ले ले फॉर एग्जांपल फूली कल्चर को आप ले ले, तो फूली कल्चर का जितना फायदा होता है तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि उसमें फूड जो है ना वो खराब नहीं होता। किस तरह खराब नहीं होता, एक फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मोनोकल्चर को ले लिया, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी तो इतना नहीं है, स्पीशीज नंबर एक होगा, तो वो जितना अगर आप फूड देते हो वो फूड लेगा, जितना वो खा सकते हो खा लेगा, उसके बाद जो बाकी होता है वो जाया होता है। लेकिन अगर उसके पर निस्बत फूली कल्चर हो, तो उसमें अगर आप एक किस्म का फूड ऐड करते हो तो दूसरी के लिए जो है ना वो भी वो मसला हल हो सकता है। फिर हमारे साथ जो है ना वो लिमिटिंग फैक्टर जो है ना वो भी एक इकोलॉजी में एक अहम रोल प्ले करता है, इकोलॉजी का एक हिस्सा है लिमिटिंग फैक्टर। तो ये हमारे साथ होता है कि या बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो हमारे साथ एक एग्जिस्टेंस जो है, एक एनिमल की एग्जिस्टेंस जो है ना या रिप्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, इनको मसला क्रिएट करता है। जितना जो चीज उनके लिए मसला क्रिएट करता है उनके रिप्रोडक्शन में, उनके एग्जिस्टेंस में, उसके उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, जो चीज उनके लिए मसला क्रिएट करता है, तो हमारे साथ उनका लिमिटिंग फैक्टर है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को ले, फिश को, फिश के लिए मेरे ख्याल में लिमिटिंग फैक्टर जो है ना ऑक्सीजन वगैरह तो इसे छोड़ दें, वो वाटर होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर से बाहर उनको निकाल लेंगे, तो उनके लिए आपने क्या किया, वो सर्वाइव नहीं करेगा, वाटर उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर है। या दूसरा जो पिक्चर में भी आप देख सकते हैं हमारे साथ पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन से उन पर जो है ना वो सनलाइट जो है ना वो वाटर में ज्यादा नहीं पड़ेगा, जब नहीं पड़ेगा तो उनके लिए CO2 का जो है लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा बनाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा हमारे साथ जो है ना सक्सेशन है, तो सक्सेशन के लिहाज से मैं इतना कहूंगा कि कम्युनिटी में एक सिस्टम में चेंजेस पड़ता है रेगुलरली, ऑर्डरली, नेचुरली चेंजेस में होता है, उन सब उन कम्युनिटी को बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, अच्छे तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि उनमें उनको स्टेबल किया जाए, उनको सही तरीके से आगे लिया जाए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें हमारे साथ एनिमल प्लांट होता है, फिर प्लांट होता है शर्प सॉफ्ट, तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये आगे जाता है। फिर हमारे साथ जो है ना ये सक्सेशन का दो तीन टाइप्स हैं। पहला हमारे साथ जो है ना ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी सक्सेशन से मुराद फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ कॉलोनाइजेशन होता है न्यू साइट्स बाय कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक जगह पर एनिमल सिरे से नहीं होता, एक ऑर्गेनिज्म सिरे से नहीं होता, और हम उनको वहाँ फॉर द फर्स्ट टाइम लगा ले, तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ प्राइमरी सक्सेशन है। दूसरा हमारे साथ सेकेंडरी सक्सेशन होता है, कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से एक एरियाज, एक कम्युनिटी जो है ना उनमें चेंजेस आ चुका हो, उनको डिस्टर्ब किया गया हो, और जब आप दोबारा उसी में उन चेंजेस के मुकाबले में वहाँ पर दोबारा वो चेंजेस जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या नेचुरल डिजास्टर की वजह से आ चुका हो, और उन्होंने उन एनवायरनमेंट को, उन कम्युनिटी को डिस्ट्रक्ट किया हो, उनको ख़राब किया हो, और आप दोबारा से उसकी तामीर कर रहे हो,
ये हमारे साथ क्या है, ये सेकेंडरी सक्सेशन में आता है। फिर हमारे साथ जो है ना ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, और ये हमारे साथ उन कम्युनिटी को क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं जो हमारे साथ फाइनल स्टेबल प्लांट कम्युनिटी हो, मतलब उसमें प्लांट सरवाइव कर चुका हो और अभी भी अच्छे पोजीशन पर हो। और ये कम्युनिटी तकरीबन 100 और 1000 टपियर जो है ना लेता है जब वो स्टेबिलिटी भी जाता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी हम उन कम्युनिटी को कहते हैं जिसमें फाइनल स्टेबल प्लांट कम्युनिटी पहुंच चुका, मतलब प्लांट जो है ना उसमें स्टेबिलिटी पर जा चुका हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल ले लें कि उसमें सक्सेशन जो है ना वो वगैरह नहीं होता, हो चुका होगा, मतलब वो स्टेबल हो, उसमें प्लांट की पोजिशन वगैरह जो है ना क्या हो, स्टेबल हो। सो ये मेरी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत कोशिश था। आप अगर आप लोग गौर पर शुक्रिया कि मुझने आज चीज़ को भी सुन लिया। If anyone have a question or any discussions, the house is open. Rafaro? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने जो स्टार्टिंग में इको टर्म समझाया था वो समझ में नहीं आया, उस पर प्राइमरी सक्सेशन के एग्जांपल्स देकर समझा दीजिए। थैंक यू। किस चीज की? इको टर्म आपने समझाया था मैम। अच्छा, इकोटोन हम उन ट्रांजिशन स्टेट को कहते हैं जिसमें दो इकोसिस्टम, मुख्तलिफ इकोसिस्टम का हमारे साथ किया हो, उनका असर हो। जो दो मुख्तलिफ किस्म के इकोटोन होते हैं, दो कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं? दो कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं? जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम जो हो, इन दोनों के दरमियान कुछ एरियाज ऐसा भी आता है जहाँ पर इन दोनों का असर हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो एक मिनट, ये सर एक मिनट सर, मुझे मतलब यूं लग रहा है कि मतलब ऐसा इकोसिस्टम यानी कि पानी का अलग इकोसिस्टम होता है और एयर में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग होता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है शायद उसी इकोटोन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम दोनों डिफरेंस होते हैं, शायद इसे ही कहते हैं। उसके डिफरेंसेस को नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो एरिया वाइज होता है ना, डेजर्ट जहाँ पे खत्म हो रहा होता है और फिर फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो एक डेजर्ट और जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वाला इकोसिस्टम अलग है, डेजर्ट वाला अलग है, तो उनके दरमियान में जो एरिया है जो उनको कनेक्ट कर रहा है, तो वो ट्रांजिशनल एरिया वो इकोटोन कहलाता है। आप समझ आ गए? जी सर, अब आ गया। थैंक यू। प्राइमरी सक्सेशन